हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसीवरंस। आज हम यहाँ पे विजन आइस का पीटी 365 का जो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे, उसके कुछ पार्ट बाकी थे। इससे पहले मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे पार्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो और उसे प्लेलिस्ट को देख सकते हो। तभी आप यहाँ पे आओ, मतलब तभी आपको ये, मतलब ये समझेंगे आपको कि मैंने क्या डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो टॉपिक बचा था उससे डिस्कस करेंगे हम। मोहम्मद इकबाल से हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद इकबाल ये अभी न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि अभी एक हेडमास्टर जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में यहाँ पे उत्तर प्रदेश में थे, यहाँ पे उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया क्योंकि एक स्टूडेंट रिसाइट कर रहा था पोएम, मतलब पोएम पढ़ रहा था मोहम्मद इकबाल की। सो मोहम्मद इकबाल ये इन्हें मतलब अल्लामा इकबाल भी बोले जाता है। इन्होंने लिखी थी सारे जहाँ से अच्छा, उसका मतलब होता है तराना ए हिंद, इसका मतलब उसे तराना इंद, तराना है हिंद भी बोला जाता है, अल्टरनेट उनका नाम है तराना इंद। ये पोएम पब्लिश की थी यहाँ पे जर्नल इतिहाद 1904 में, और ये इनका जन्म हुआ था 1877 में सियालकोट पंजाब में, अभी जो पाकिस्तान में है। ये एक फैमिली से बिलोंग करते थे, कश्मीरी ब्राह्मण एंसेस्टरी थे ये। इसके बाद में यहाँ पे इकबाल वॉज अ पोइट फिलोसोफर थे, उनका काम उन्होंने प्रमोट किया था फिलोसॉफी ऑफ सेल्फहुड, एंड ये डील करते थे इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। इन्होंने एक मोस्टली ये उर्दू और पर्शियन में लिखते थे। यहाँ पे इकबाल ने यहाँ पे फर्स्ट मतलब पब्लिश किया था कलेक्शन ऑफ द पोएम 1923 में, इसे मतलब लाया गया था, मतलब ये निकला था पोएम्स, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश की थी। इसे टाइटल दिया गया था बंग ए दरा, और इसे बुलाया जाता है मार्चिंग बेल भी इसे बुलाया जाता है। उनके कुछ कंट्रीब्यूशन मतलब वर्क्स वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं, इंक्लूड जाबुर ए आज़म, बाब ए जिब्रील, द गैब्रियल्स विंग्स, मुसाफिर, द वे फेरर, मिस्ट्री ऑफ द सेल्फलेसनेस, सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ एंड असरार ए खुदी, एंड उसके बाद में यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम। सो ऐसे कुछ उनके काम्स हैं, इनके बारे में यहाँ पे दिया गया था। उसके बाद में 1930 में इकबाल ने यहाँ पे डिलीवर किया प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू द 25th सेशन जो हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अलाहाबाद में, पॉपुलरली उसे अलाहाबाद एड्रेस भी बोला जाता है। और यहाँ पे इन्होंने एक्सप्रेस किया था हिज थॉट ऑन द इस्लाम एंड नेशनलिज्म, यूनिटी ऑफ द इंडियन नेशन एंड द प्रॉब्लम ऑफ द डिफेंस। और यहाँ पे 1931 और 32 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, यहाँ पे लंदन में जो हुई थी। इसके बाद में लेटर ये बिलीव करते थे एनफोर्समेंट ऑफ द एनफोर्समेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द शरियत शरियत ऑफ इस्लाम में ये बिलीव करते थे, और ये इम्पॉसिबल है कंट्री का विदाउट अ फ्री मुस्लिम स्टेट, और स्टेट्स के बारे में ऐसा इन्होंने बोला गया था, फ्री मुस्लिम स्टेट्स और स्टेट्स के बारे में इन्होंने बोला गया था। और इकबाल ये कंसिडर करते थे विजन फॉर द क्रिएशन ऑफ द पाकिस्तान एंड टू नेशन थ्योरी में इनका मतलब बिलीव था, एंड ये इनको बोला जाता है स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान, स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान भी बोलते हैं इन्हें। सो आप ये पूरा पढ़ सकते हो। वेयर द जीना इज कंसिडर्ड टू बी द वन वो शेप हिज दिस विजन, मतलब यहाँ पे इनके जो विजन थे मोहम्मद इकबाल के, इनको मतलब शेप दिया था जीना ने। सो थोड़ा मैं भी कन्फ्यूज हो गया था कि मतलब इन्हें टू नेशन थियरी एंड स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना, समटाइम्स आपको प्रीलिम्स से सेंटेंस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पे धारा शिकोह के बारे में देखते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने यहाँ पे रिसेंटली 7 मेंबर पैनल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यहाँ पे लोकेट किया गया है, उनके जो ग्रेव है मुगल प्रिंसेस दारा शिकोह की 1615 से लेकर 59 तक ये हुए थे इस ड्यूरेशन में। अब ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो इनको मतलब ज़मीन में दफनाया गया था हमारे टॉम कॉम्प्लेक्स जो दिल्ली में है वहाँ पे, मतलब अभी सर मतलब ये किया जा रहा है, मतलब कुछ रिसर्च वगैरह किया जा रहा है कि मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे इनका लोकेशन कहाँ पे था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ऐसे मानते हैं कि इन्होंने मतलब जो ये था भगवत गीता वगैरह थी उसको मतलब स्प्रेड करने में इसका मतलब योगदान वगैरह दिया था, ऐसा कुछ चल रहा था अभी थोड़ा न्यूज़ में, उसकी वजह से मतलब ये टॉपिक न्यूज़ में था। दारा शिकोह ये एल्डेस्ट सन थे मुगल एम्परर शाहजहाँ के, औरंगजेब के ये बड़े भाई थे। वो इज इन द 1642 फॉर्मली कन्फर्म दारा शिकोह एज हिज फेयर क्रांटिंग हिम विद द टाइटल ऑफ
शहजादा ए बुलंद इकबाल भी बोला जाता था इन्हें, और इनको मार दिया गया था आफ्टर लूजिंग द वार ऑफ सक्सेशन अगेंस्ट हिज ब्रदर औरंगजेब। और बैटल ऑफ द समूहगढ़ मतलब यहाँ पे डिसाइसिव स्ट्रगल हुई थी, कंटेस्ट हुआ था लड़ाई, मतलब जो इनके पिता का जो ये था मतलब कौन मतलब इस मतलब आगे बढ़ाएगा साम्राज्य को, उसके लिए थ्रोन बिटवीन द सन्स औरंगजेब एंड मुराद बख्श ऑन वन साइड एंड दारा शिकोह ऑन अदर साइड। मतलब ये दो भाई एक साइड पे थे और दारा शिकोह अदर साइड मतलब दूसरी तरफ थे। सो इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी मुगल एम्परर शाहजहां ने के बाद। यहाँ पे एम्परर सीरियस इलनेस हुआ था इनको, मुगल एम्परर शाहजहां को, उसके बाद में उनकी डेथ हुई थी। और ही वॉज लिबरल इन आउटलुक, मतलब लिबरल थे थोड़ा, मतलब औरंगजेब की तरह नहीं थे, मतलब कट्टर मुस्लिम नहीं थे यहाँ पे, और सब सभी धर्मों को मतलब ये मानते थे। उसके बाद में यहाँ पे ट्राइड टू फाइंड कॉमनलिटीज बिटवीन द हिंदू एंड इस्लामिक ट्रेडिशन, मतलब इन्होंने ये योगदान दिया था हिंदू इस्लामिक को मतलब जोड़ने के लिए। कंट्रीब्यूशंस यहाँ पे कुछ दिए आर्ट एंड कल्चर में, इन्होंने ट्रांसलेट किया था भगवत गीता एज वेल एज उपनिषद फ्रॉम द देयर ओरिजिन संस्कृत इनटू द परिशियन, परिशियन मीन्स ट्रांसलेट किया था 1657 में, 1657 में, सो दैट दे कुड बी स्टडी बाय द मुस्लिम स्कॉलर, मतलब मुस्लिम स्कॉलर्स द्वारा भी इन्हें पढ़ा जा सके। तो एंड इसके बाद में यहाँ पे हिज ट्रांसलेशन इज ऑपन कॉल्ड सीरे अकबर द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री वेयर द स्टेट्स दैट वर्क इन रेफर टू द कुरान इज नन अदर देन द उपनिषद। सो इन्होंने मतलब ये ट्रांसलेशन भी किया था सीरे अकबरी द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री थी, सॉरी। उसके बाद में मुजमा उल बहरीन, ये शॉर्ट ट्रीटीज लिखी गई थी इनके परिशियन में, डिवोटेड है एनी रिवलेशन ऑफ द मिस्टिकल एंड प्लुरिस्टिक एफिनिटीज बिटवीन द सूफीज एंड वेदांतिक स्पेकुलेशन इन दो, इसको मतलब ये दर्शाया जाता है मतलब इनके बीच में रिवील किया गया था इसकी जो एफिनिटीज वगैरह हैं, अच्छाई वगैरह हैं। उसके बाद में दारा शिको एल्बम, ये कलेक्शन था पेंटिंग का एंड कैलीग्राफी असेंबल किया था ड्यूरिंग 1630 बाय द दारा शिको एंड प्रेजेंटेड टू हिज वाइफ नदीरा बानू बेगम 1641 के 42 के बीच में। और इन्होंने क्रेडिट इनका मतलब ही इज क्रेडिटेड विद द कमिशनिंग ऑफ द सेवरल एक्विसाइड एग्जाम्पल ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर सच इज द टॉम ऑफ हिज वाइफ नदीरा बेगम लाहौर में है, श्राइन मियान मीर लाहौरी में है यहाँ पे, और दारा शिकोह में यहाँ पे लाइब्रेरी, दारा शिकोह की लाइब्रेरी है दिल्ली में। अखुन मुल्ला शाह मस्क ये श्रीनगर में, सॉरी श्रीनगर में है अखुन मुल्ला शाह मस्क। उसके बाद में परी महल गार्डन पैलेस ये श्रीनगर में है, ये ध्यान में रखना कुछ फैक्ट। और सम हिस्टोरियंस आर्ग्यू करते हैं दारा शिकोह वॉज द टोटल एथीथेसिस एंटीथेसिस, मतलब ये टोटल एंथीसिस थे, एंटीथेसिस थे औरंगजेब के, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, इन दैट ही वॉज डीपली सिंक्रेटिक वार्म हार्टेड एंड जेनरस, बट एट द सेम टाइम ही वॉज ऑल्सो इनडिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड इन इफेक्चुअल इन द फील्ड ऑफ बैटल। मतलब ये लड़ाई में इनका मतलब ज़्यादा ये नहीं थे, कैपेबल नहीं थे ये औरंगजेब, अच्छे मतलब लड़ाई में के लिए जाने जाते थे। और इटालियन ट्रैवलर ने यहाँ पे निकालो मनुक्की मनुसी ने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे डाउन द डिटेल्स ऑफ द दारा शिकोह डेथ के बारे में इन हिज बुक ट्रैवल्स ऑफ द मनुसी। सो ये कैसे प्रोनाउंसिएशन, इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है आप अपने हिसाब से पढ़ना। उसके बाद में आदिशंकरा के बारे में देखते हैं, आदिशंकरा अभी ये न्यूज़ में थे। सो ये गोवर्धन मठ यहाँ पे सेटअप किया गया था आदिशंकरा द्वारा, पूरी उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे ये किया गया। और आदिशंकरा यहाँ पे ये 8th सेंचुरी के थे, इंडियन फिलोसोफर थे, थियोलॉजियन थे, वो एक्सपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ द अद्वैता वेदांता, अद्वैता वेदांता की यहाँ पे फिलोसॉफी दी थी इन्होंने। अद्वैता वेदांता ये नॉन ड्यूलिस्टिक स्कूल ऑफ हिंदुइज्म है विथ इट्स रूट्स इन द वेदास एंड द उपनिषदास विच रिकोगनाइज एज द वन रियालिटी एंड वन गॉड, वन रियालिटी एंड वन गॉड में बिलीव करते हैं। इन्होंने एक्सप्लेन किया था बेसिक आइडियाज ऑफ द उपनिषद एंड एडवोकेट द ओल्डेस्ट कंसेप्ट ऑफ हिंदुइज्म विच एक्सप्लेन द यूनिफिकेशन ऑफ द सोल आत्मा एंड द सुप्रीम सोल निर्गुना ब्रह्मा। इन्होंने एडवोकेट किया था एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल एंड द सुप्रीम सोल के बारे में, और ये बिलीव करते थे सुप्रीम सोल अलोन इज द रियल अनचेंजिंग वाइल द सोल इज द चेंजिंग एंटिटी दैट इट डज नॉट हैव एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क कुछ है इनके, एफर्ट्स टू सिंथेसाइज द 6th सब सेक्ट नोन इज द शनमता, ध्यान में रखना। और इन्होंने फाउंड किया था दशनामी
संप्रदाय, दशनामी संप्रदाय विच टॉक्स अबाउट द लीडिंग मोनेस्टिक लाइफ। वेल शंकराचार्य वॉज द फर्म बिलीवर इन एंशियंट, इसमें बिलीव करते थे ये हिंदुइज्म में, और इन्होंने कंडेम किया था यहाँ पे मीमांसा स्कूल ऑफ हिंदुइज्म को, एंड विच वॉज प्योरली बेस्ड ऑन रिचुअल प्रैक्टिसेस, और इन्होंने फाउंड किया था फोर मोनास्ट्रीज, मठाज फाउंड किए थे, कंटिन्यू टू स्प्रेड हिज टीचिंग विद द श्रृंगेरी शारदा पीठम, द्वारका पीठम, ज्योतिर्मठा पीठम एंड गोवर्धना मठा, गोवर्धना मठा। सो ये ध्यान में रखना, चार मठ इन्होंने ये किए थे, फाउंड किए थे, और इन्होंने कंपोज किए थे फेमस उपदेशा शरीज विच लिटररी ट्रांसलेट इनटू थाउजेंड्स ऑफ टीचिंग। उसके बाद में थिरुवल्लूर के बारे में देखते हैं। थिरुवल्लूर, ये रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई थी तमिलनाडु में यहाँ पे, आफ्टर द इमेज ऑफ द थिरुवल्लूर इन सैप्रॉन, मतलब सैप्रॉन कलर में इनको दर्शाया गया था, अटायर जो अटायर था एक्चुअली ये सफ़ेद कपड़े ही से ही मतलब इनको दर्शाया जाता है, बट अभी ये कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। सैप्रॉन मतलब ये बीजेपी का है कलर, भगवा कलर। उसके बाद में यहाँ पे थिरुवल्लूर के बारे में देखते हैं, ये हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। थिरुवल्लूर कॉमनली नोन एज ए वेल्लुवर, वेल्लुवर बोलते हैं, ये तमिल संत पोएट फिलोसोफर थे, ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज़ यूजुअली शोन विद द वाइट शॉल इन द इमेजेस, मतलब उनको मतलब वाइट शॉल से ही मतलब दर्शाया जाता है। डिटेल्स क्या थी थिरुवल्लूर की, रियल नेम, डेट, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजियस अफिलिएशन एंड द फैमिली बैकग्राउंड आर नॉट अवेलेबल, मतलब ये अभी अवेलेबल नहीं है फिलहाल यहाँ पे, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मेनी रिसर्चर्स पुट हिज बर्थ डेट बिटवीन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी से सेकंड सेंचुरी एडी तक, यहाँ पे इनका अंदाजा लगाया जाता है जन्म का। थिरुवल्लूर ये मॉरल फिलोसॉफी में बिलीव रखते थे, इज एंथ्रोपोसेंट्रिक थे, सिंस इट्स फोकसेस ऑन द लाइफ ऑन हिज अर्थ रादर देन द स्पायरिंग फॉर हेवनली अवॉर्ड, मतलब ये जो हेवनली अवॉर्ड वगैरह होता है उसमें उससे ज़्यादा ये लाइफ में और जो अर्थ वगैरह होते हैं नेचुरलिस्टिक व्यूज वगैरह होते हैं उनमें ज़्यादा फोकस करते थे। मोर एवर ही अपोजेस द एब्सोल्यूटाइजिंग, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मतलब एब्सोल्यूटाइजिंग एंड आइडियलाइजिंग द प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग देम अदर वर्ड्स अफेयर्स। ही बोल्डली एडवोकेटेड द लाइफ ऑफ द डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, चेस्टिसी, नॉन वायलेंस, टेम्परेंस एंड डिवोशन, मतलब इन चीज़ों में ये बोल्डली मतलब इन्होंने मतलब ये बिलीव करते थे। ही इज़ द बेस्ट नोन एज द ऑथर ऑफ द थिरुक्कुरल, थिरुक्कुरल के ऑथर थे, इनके कलेक्शन कुछ थे 1330 कपलेट्स थे ऑन एथिक्स, पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक मैटर्स एंड लव से रिलेटेड। थिरुक्कुरल थ्रू द फेज, मतलब यहाँ पे फ्रेज करते थे, आदि भगवान थिरुवल्लूर असर्टेड दैट द ओमनीपोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट गॉड वॉज यूनिवर्सल। सो ओमनीपोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट गॉड वॉज यूनिवर्सल, मतलब ये सब तरफ है गॉड, एक ही जगह पे नहीं है, सब में, सब हर एक इंसान में पाया जाता है, ओमनी प्रेजेंट है, इसमें ये बिलीव करते थे। उसके बाद में थिरुक्कुरल के बारे में देखते हैं, ये रिटर्न तमिल में लिखते थे इसे, इट इज़ एन एंशियंट ट्रीटीज ऑन द कोर्स ऑफ एथिक्स एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, इट इज़ अ मॉरल कॉम्पेंडियम विच हैज़ गिवन क्लासिफाइड अंडर द थ्री मेजर हेडिंग्स, आराम होते थे इसमें, राइटिनियसनेस होते थे, पुरुल होते थे, वेल्थ के बारे में लिखा था, एंड इबाम एंजॉयमेंट के बारे में यहाँ पे कहा गया था। आइडियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस थे इस दिस टाइटल्स के, दैट वन मस्ट अर्न वेल्थ थ्रू द राइटियस मीन्स एंड एंजॉयमेंट बिकम्स द इमिनेंट थ्रू दैट विच लीड्स टू एनलाइटमेंट, मतलब जिससे हमें एनलाइटमेंट का मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो सके, इसलिए हमें अर्न वेद मतलब ये करनी चाहिए, अर्न करनी चाहिए, राइटेस मीन्स होने चाहिए, उसके लिए एन्जॉयमेंट होना चाहिए, एंड थ्रू दिस एन्जॉयमेंट बिकम एमिनेंट थ्रू द विच द लीड्स टू द एनलाइटमेंट, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो सके। उनके जो व्यूज थे सिमिलर थे, संस्कृत ट्रेडिशन ऑफ धर्म, अर्थ, कामा एंड मोक्षा, एंड आउट ऑफ दिस फोर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पुरुषार्थस, आराम, पुरुल, इबाम, विदु एंड मोक्षा, मुकेशा, थिरुक्कुरल एड्रेसेस ओनली फर्स्ट थ्री एंड एडवोकेट्स द पाथ टू वेदु थ्रू द अदर्स, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज अ मोपाल थ्री एलिमेंट्स। इन्होंने अटेम्प्ट किया था, ये अटेम्प्ट करते थे टू प्रोवाइड द गाइडलाइंस फॉर द इंडिविजुअल इन द सोसाइटी, एग्जाम्पल दैट इज एस्केटिक एंड फैमिली मेम्बर्स एक्सेट्रा हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्फ टू एंड अदर्स। उसके बाद में गुरु रविदास जयंती के बारे में देखते हैं, अभी रिसेंटली बर्थ एनिवर्सरी था संत रविदास, सेलिब्रेट किया गया कंट्री में। संत रविदास ये 14th सेंचुरी में पोएट हुए थे, संत थे, सोशल रिफॉर्मर थे, स्पिरिचुअल फिगर थे, फाउंड
फाउंडर थे भक्ति मूवमेंट इन द नॉर्थ नदर्न इंडिया में, और ये इनके पेरेंट बिलोंग करते थे लेदर वर्किंग अनटचेबल कम्युनिटी से, और ये डिवोशनल सॉन्ग लिखा करते थे इंक्लूड इन द सिक्स स्क्रिप्चर गुरु संत ग्रंथ साहिब में यहाँ पे इन्होंने लिखा गया था। ही वॉज कंटेम्प्ररी कबीर एंड गुरु नानक के, ये कंटेम्प्ररी थे मतलब उनके ड्यूरेशन में हुए थे कबीर और गुरु नानक से के टाइम पे। ही वॉज कॉबलर बाय कास्ट मतलब कॉबलर कास्ट के थे, एंड रविदास टॉट रिमूवल ऑफ द सोशल डिवीजन ऑफ कास्ट एंड जेंडर, प्रमोटेड यूनिटी इन द परस्यूट ऑफ द पर्सनल स्पिरिचुअल फ्रीडम। सो ये मतलब जो भी बिलीव्स वगैरह चलते थे कास्ट वगैरह उच्च उच्च नीच जाति के लिए, मतलब ये इनके लिए रिमूवल के लिए मतलब काम करते थे एंड प्रमोट करते थे यूनिटी, यूनिटी मतलब एकता, जो स्पिरिचुअल फ्रीडम्स है उसके बारे में ये करते थे। मीराबाई इनकी डिसिपल थी, मतलब ये भक्त थी इनकी रविदास की। द पंचवाणी टेक्स्ट दादूपंथी ट्रेडिशन आल्सो इंक्लूड द न्यूमरस पोएम्स ऑफ द रविदास, मतलब इनमें रविदास की जो पोएम्स वगैरह हैं ये दादूपंथी ट्रेडिशंस में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ही इज कंसिडर एज द फाउंडर ऑफ द रविदासिया रिलीजन, रविदासिया रिलीजन का यहाँ पे इन्होंने फाउंड किया, फाउंडर थे ये। एंड बाय द ग्रुप ऑफ द वो प्रीवियसली वेर एसोसिएटेड विद द सिकिज्म, सिकिज्म से और एसोसिएटेड था, और सॉन्ग्स ऑफ द रविदास डिस्कस किए गए, निर्गुण सगुना थीम्स थी एज वेल एज द आइडियाज दैट आर एट द फाउंडेशन ऑफ द नाथ योगा फिलोसॉफी ऑफ द हिंदुइज्म। उसके बाद में वेदांता देसी कान के बारे में यहाँ पे देखते हैं। रिसेंटली भी पोस्टेज स्टैम्प यहाँ पे लॉन्च किया गया, कॉमोरेट किया गया 750वीं बर्थ एनिवर्सरी श्री वेदांता दसिकन की यहाँ पे सेलिब्रेट की गई। वेदांता दसिकन क्या है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रिसेप्टर थे इन द श्री वैष्णव ट्रेडिशन से, और ही वॉज मल्टी फेसेड पर्सनैलिटी थे। इन्होंने सेलिब्रेट किया गया यहाँ पे, अभी यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया सर्व तंत्र सर्व सर्व स्वतंत्र और द मास्टर ऑफ ऑल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड अवार्डेड द टाइटल ऑफ द कवि तार्किका केसरी, कवि तार्किका केसरी के ध्यान में रखना। उसके बाद में यहाँ पे दिया है फिलोसॉफी के बारे में इनकी, श्रीनिवास फिलोसॉफी गॉट मच वाइडर ऑडियंस विद द वेदांता दसिकन राइटिंग एंड पिचिंग, उनकी मतलब राइटिंग और पिचिंग में यहाँ पे मतलब ये पाए गए हैं, उनके मतलब वाइडर ऑडियंस वगैरह थे मतलब दर्शक थे। एंड वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ दिस ऑफ हिज फिलोसॉफी वाज एस्पेक्ट ऑफ इंक्लूजन, दैट इज एनीवन इरिस्पेक्ट ऑफ द कास्ट क्रीड कुड जॉइन द श्री वैष्णवा फोल्ड, ऑब्लिटरेटिंग कास्ट डिस्टिंक्शन एंड दस मेकिंग द ट्रूली डेमोक्रेटिक मूवमेंट। मतलब कोई भी किसी भी धर्म का जाति का पंथ का हो वो इसे मतलब यहाँ पे ये ज्वाइन कर सकता है, श्री वैष्णवा फोल्ड जो भी चल रहा था। और ये एलिमिनेट करते थे पार्ट्स ऑफ द डिवोशन एंड डेडिकेशन ऑफ द सेल्फलेस लव एंड अफेक्शन फॉर द ह्यूमैनिटी एंड टोटल सबमर्जेंस इन द डिवाइन एम्बियंस। उसके बाद में श्री वैष्णवाज ट्रेडिशन के बारे में देखते हैं, ये डिनोमिनेशन विद इन द वैष्णविज्म ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म से रिलेटेड है, और ये नाथमुनि 10वीं मतलब 10th century में हुए थे यहाँ पे, एट्रिब्यूटेड एज द फाउंडर एंड इट्स सेंट्रल फिलोसोफर वॉज रामानुजा थे 11th century से, उन्होंने डेवलप किया था वैष्णव विशिष्टवाद विशिष्ट अद्वैता फिलोसॉफी, ये ध्यान में रखना रामानुज से रिलेटेड है। ये मोस्ट स्ट्राइकिंग डिफरेंस था बिटवीन द श्री वैष्णवाज एंड अदर वैष्णवा ग्रुप जो लाई कर रहे थे देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेदास, एंड जो अदर वैष्णवा ग्रुप थे इंटरप्रिट कर रहे थे वैदिक डाइटीज लाइक इंद्र रुद्र एट्सेट्रा, इनको फॉलो करते थे टू बी सेम एज देयर पुराणिक काउंटर पार्ट्स, और जो श्री वैष्णवास कंसिडर करते थे टू बी द डिफरेंट नेम्स फॉर्म्स ऑफ लॉर्ड नारायण, दस क्लेमिंग दैट द एंटायर वेदा इज डेडिकेटेड फॉर द विष्णु वर्शिप, मतलब विष्णु भगवान को ये मानते थे, विष्णु भगवान को ये वर्शिप करते थे। और जो ट्रेडिशन थी यहाँ पे अल्टीमेट रियलिटी एंड ट्रूथ आर कंसिडर्ड टू बी द डिवाइन शेयरिंग ऑफ द फेमाइन एंड मस्कुलाइन द गॉडेसेस एंड द गॉड, इनके बीच में ये चल रही थी। एंड प्रीफिक्स श्री इज यूज फॉर दिस सेक्ट बिकॉज गिव द स्पेशल इंपॉर्टेंस टू द वर्शिप ऑफ द गॉडेस लक्ष्मी, वो दे बिलीव टू एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन द गॉड विष्णु एंड द मैन। और जो आचार्य आचार्य होते थे यमुना आचार्य रामानुजाचार्य परासारा भट्टर पिलाई लोकाचार्य वेदांता दसिकेन, सो ये था इस आर्टिकल में यहाँ पे दिया था श्री वैष्णव ट्रेडिशन के बारे में। इसके बाद में हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ट्रैवलॉग इन डिकोडिंग इंडियन हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। अब ये रिसेंटली डिलीवर हुआ है यहाँ पे अयोध्या जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे नोट दिया है अकाउंट ऑफ द 3 European travelers जो हुए थे, जोसेफ टिफेन थलर एंड विलियम फिंच एंड
मोंटो गोमेरी मार्टिन के बारे में। अब ये जोसेफ टिफेन थैलर के बारे में देखते हैं। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसको पढ़ लेना, मुझे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। ही वॉज 18th सेंचुरी से ये मिशनरीज थे, हेलिंग यहाँ पे इटली से आए थे और ट्रैवल किया था इंडिया में यहाँ पे 27 साल तक। यहाँ पे इन इंडिया ही वॉज कमीशन एट द फेमस ऑब्जर्वेटरी ऑफ सवाई जय सिंह द राजा ऑफ जयपुर, एंड वॉज लेटर अटैच एट द जी सूट कॉलेज इन आगरा। ये यहाँ पे रहे थे इन अवध वेयर अयोध्या इज लोकेटेड फॉर 5 ईयर्स, एंड इन्होंने बुक लिखी थी डिस्क्रिप्शन ऑफ हिस्ट्री हिस्टोरी हिस्टोरोक्विट डिस्क्रिप्शन ऑफ हिस्टोरोक्विट जियोग्राफी की एंड डेली नाइडी। ही गिव्स डिटेल्स अबाउट हिज ट्रेवलर्स टू अयोध्यास, एंड विलियम फिंच के लिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे दिया है, सॉरी विलियम फिंच के बारे में यहाँ पे दिया है। ये इनको मतलब जाने जाते थे, ये अराइव आए थे मतलब इंडिया में यहाँ पे 1608 में एट द सूरत विद द सर विलियम हॉकिंस के साथ में, और ये रिप्रेजेंटेटिव थे ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी के। ऐसा कहा जाता है कि अर्लीस्ट इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ अकाउंट ऑफ कश्मीर एज वेल एज द ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग पंजाब एंड ईस्टर्न ताजिकिस्तान एंड वेस्टर्न चाइना में भी मतलब ये इन मतलब गए थे। एंड फिंच विजिटेड अयोध्या बिटवीन द 1608 एंड 1611 एंड डिड नॉट फाइंड एनीथिंग बिल्डिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द इस्लामिक ओरिजिन। विलियम फिंच ने अकाउंट किया गया है यहाँ पे रिकॉर्ड में हिस्ट्री में यहाँ पे कि 1921 में यहाँ पे बुक लिखी थी अर्ली ट्रेवलर्स इन इंडिया 1583 से लेकर 1619 बाय द हिस्टोरियोग्राफर सर विलियम फोस्टर द्वारा। अब रॉबर्ट मोंटोगो मेरी मार्टिन ये एंग्लो आयरिश ऑथर थे, सिविल सर्वेंट थे, जिन्होंने प्रैक्टिस किया था मेडिसिन इन द सिलोन प्रेजेंट डे श्रीलंका एंड ईस्ट अफ्रीका इन ऑस्ट्रेलिया में। इन ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे मार्टिन गए थे काम करने के लिए कोलकाता, वेयर ही हेल्प द फाउंडर पेपर बंगाल हेराल्ड, उन्होंने हेल्प की थी। ही लेटर रिटर्न टू द इंग्लैंड वेयर ही रोट अबाउट द ब्रिटिश एम्पायर, एंड इन्होंने लिखा था 3 वॉल्यूम वर्क हिस्ट्री एंटिक्विटीज टोपोग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ द ईस्टर्न इंडिया। इन्होंने लिखा था अबाउट द वर्शिप ऑफ द लॉर्ड रामा इन द अयोध्या रीजन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल एंड इरेक्शन ऑफ द मॉस्क। इसके बाद में यहाँ पे अदर पर्सनैलिटीज के बारे में देखते हैं, कुछ न्यूज में थे गुरु गोविंद सिंह के बारे में यहाँ पे कहा गया है। ये 1666 के बीच में से लेकर 1708 के बीच में यहाँ पे बॉर्न हुए थे इन पटना में। इनका ड्यूरेशन था 1666 से लेकर 1708। ये पटना में बॉर्न हुए थे, 10th सिख गुरु थे। ये फाउंडेड किया था यहाँ पे इन्होंने सिख जो वारियर कम्युनिटी खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी 1699 में 1699 में। एंड ही बिकेम द सिख गुरु एट द एज ऑफ द 9 फॉलोइंग द डिमाइस ऑफ द फादर। इनके जो फादर थे गुरु तेज बहादुर, उनके डिमाइस के बाद में द 9 सिख गुरु थे इनके फादर तेज बहादुर। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 5 केस, मतलब जो 5 केस थे और सिख मतलब जो कास्ट है इनके, मतलब ये बिलीव करते हैं इन चीज़ों में, केश केश होता है, कंघा होता है, करा होता है, कृपाण होता है, कचेरा होता है। आपने सिख लोगों को देखा होगा ये चीज़ें मतलब वो एडप्ट किए होते हुए इनको मतलब अपनाते हैं ये। एंड 5 आर्टिकल्स ऑफ द फेथ दैट खालसा सिख्स वेयर एट ऑल टाइम्स इन्होंने फाइनलाइज किया था गुरु ग्रंथ साहिब 1706 में, एंड डिक्लेयर किया था दिस जो गुरु ग्रंथ साहिब था इसे टेक्स्ट को टू बी एटर्नल गुरु फॉर द सिख्स। क्योंकि क्या होता था कि मतलब जो मुगल्स थे इनके जो गुरु होते थे इनको मार दिया करते थे, इसलिए इन्होंने एक टेक्स्ट बुक को ही मतलब उनका मतलब दर्जा दे दिया था, मतलब यही अभी एटर्नल गुरु माने जाएंगे, ऐसा गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पे किया था। थयागराज के बारे में देखते हैं, ये रेनॉल्ड कंपोजर्स है कर्नाटिक म्यूजिक, इन्होंने कंपोज किया था मोस्टली डिवोशनल कंपोजिशन मोस्ट इन द तेलुगु एंड फ्रेज किया था लॉर्ड रामा को। स्पेशल मेंशन किया गया है यहाँ पे 5 हिज कंपोजिशन कॉल्ड पंचतंत्रास कीर्तिस 5 जेम्स थे, और ये यहाँ पे रिवर किए जाते हैं 18th सेंचुरी में। ट्रिनिटी ऑफ द कंपोजर्स द अदर बींग श्यामा शास्त्री एंड श्री मुत्तुस्वामी दीक्षितार। और उसके बाद में सुब्रमण्यम भारती के बारे में देखते हैं, ये पोएट है, जर्नलिस्ट, फ्रीडम फाइटर थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, तमिलनाडु से है, रिलेट करते हैं सुब्रमण्यम भारती। और ये कानन पट्टू नीलवुम वन्नी वन वनमीनम कातरुम, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, मुझे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है इसका। एंड पचाली सप्ताह एंड कायुल पट्टू एग्जाम्पल थे भारतीय ग्रेटेस्ट पोएटिक जो इनके थे। ही वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद
एडिटरशिप ऑफ द विजया एंड इंडिया तमिल वीकली, सावित्री बाई फुले के बारे में यहाँ पे दिया है। सोशल रिफॉर्मर थी 19th सेंचुरी से, और यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट फीमेल टीचर थी, इन्होंने काम किया था अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन एंड अनटचेबिलिटीज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी से, और इन्होंने स्टार्ट किया था महिला सेवा मंडल 1852 में, और अवेयरनेस रेस किया था यहाँ पे वुमेन्स राइट्स के लिए, कंपेन करती थी अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज वाइल सपोर्टिंग द विडो रीमैरिज के लिए। अमृतलाल विठल दास ठक्कर के बारे में यहाँ पे दिया है, ये पॉपुलरली नोस थे ठक्कर बाप्पा, इन्हें बोला जाता है 1869 से लेकर 1951 तक ये हुए थे, इनका ड्यूरेशन था। ही वॉज एन इंडियन सोशल वर्कर, इन्होंने काम किया था अपलिफ्टमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल के लिए, मतलब जो आदिवासी पीपल होते हैं उनके लिए। ही फाउंडेड द भील सेवा मंडल, इन्होंने मतलब फाउंड किया था 1922 में, 1922 में, एंड भारतीय अधिम जाति सेवक संघ 1948 में यहाँ पे इन्होंने ये किया था, स्थापना की थी। ऑल्सो एसोसिएटेड थे ये सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड हरिजन सेवक संघ के ये से एसोसिएटेड थे, मतलब इनसे मतलब ये ताल्लुक रखते थे। ही बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द हरिजन सेवक संघ फाउंडेड बाय द महात्मा गांधी इन 1932। सो अमृतलाल विठल दास ठक्कर के बारे में ध्यान में रखना, ये जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं जो हरिजन सेवक संघ फाउंड किया था महात्मा गांधी ने 1932 में। 100th एनिवर्सरी ऑफ द ओट्टा पंत थेंगरी के बारे में दिया है यहाँ पे, ये एक ट्रेड यूनियन लीडर थे, फाउंडर थे स्वदेशी जन जागरण मंच के एंड भारतीय मजदूर संघ एंड भारतीय किसान संघ के, तो ध्यान में रखना। और वी एम टारकुंडे, ये एक प्रोमिनेंट इंडियन लॉयर थे, सिविल राइट्स राइट एक्टिविस्ट थे, और यहाँ पे इनको रेफर किया जाता है फादर ऑफ द सिविल लिबर्टीज मूवमेंट एंड फाउंडिंग थे, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की थी इन्होंने पीपल्स यूनियन सिविल लिबर्टीज PUCL, वन ऑफ द लार्जेस्ट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्रीज, इलेक्ट हुए थे ये एज अ प्रेसिडेंट इन 1980s द्वारा। कोटा रानी के बारे में यहाँ पे दिया गया गया है, यहाँ पे ये रिमेंबर मतलब याद की जाती है, लास्ट रूलर बिलोंगिंग टू द हिंदू लोहारा डायनेस्टी इन कश्मीर, हिंदू लोहारा डायनेस्टी कश्मीर का, और ये मतलब डेथ हुई थी इनकी 1339 में। शी वॉज द डॉटर ऑफ द रामचंद्रा कमांडर इन चीफ ऑफ सहदेव, वो वॉज इन द किंग ऑफ द कश्मीर बिलोंगिंग टू द लोहारा डायनेस्टी से ही बिलोंग करते हैं, इनकी ये पुत्री थी लोहारा डायनेस्टी। सॉरी थोड़ा हवा तेज चल रही है, एक मिनट थोड़ा वेट कीजिए। लोहारा डायनेस्टी जो हिंदू रूलर थे कश्मीर के, खासा ट्राइब के, ध्यान में रखना, उनसे ये बिलोंग करते थे, ये 1003 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 1320 सेंचुरी में हुए थे। अजवार्स एंड नयनार्स, सो अलवर्स ये इसको अजवार्स भी बोला जाता है, ये फेमस तमिल पोइट सेंत थे, इनको प्रेस करते हिंदू गॉड विष्णु एंड हिज अवतार कृष्णा को, एंड उनके जो कंपोज हुआ करते थे सॉन्ग्स कंपोज वगैरह करते थे। नैनास क्या, ये सिंसियर्स एंड एडेंट है डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड शिवा, सो ये ध्यान में रखना। अलवर से विष्णु एंड कृष्णा से रिलेटेड है, नैनार से लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है। उसके बाद में नलिया दिव्य प्रभानंदम, दिव्य प्रभानंदम 4000 सेक्रेट कंपोजिशन है इनके, वन ऑफ द मेजर एंथोलॉजीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ द टेल अलवारास कंपाइल किए गए थे बाय द नाथा मुनि इन द 10th सेंचुरी में। इट वॉज फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब एज अ तमिल वेदा से भी ये जाने जाते हैं। सो आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया, नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे हिस्टोरिकल इवेंट्स यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। आपको कुछ फीडबैक या सजेशन वगैरह देने हो, सो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, आपके कमेंट्स ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, और इससे मुझे पता चलता है कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट वगैरह करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।